गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस। दोस्तों आज मैं सबके लिए लेके आ गया हूँ रेलवे से संबंधित बहुत सारी अपडेट। तो सबसे पहले तो दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉय जिनका सितंबर महीने का जो सैलरी था, सैलरी स्लिप डाउनलोड हो चुका है। आपका सैलरी दोस्तों 30 सितंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएगा मंडे को। तो बात करना चाहता हूँ कि इस महीने कितना सैलरी बढ़ा या डीए क्या बढ़ा नहीं बढ़ा, इसके बारे में दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप सबको बता दूँ दोस्तों कि जो आपका डीए पहले से 50% था, उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी आया है, एचआरए आया है, टीए आ रहा है। क्योंकि इस बार जो जुलाई से लेकर सितंबर 3 मंथ हो गए, अभी तक केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो आपका दोस्तों जो 4% डीए बनने वाला था वो भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार हो सकता है कि दोस्तों अगले महीने कुछ जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें कुछ फैसला ले ले एम्प्लॉय के लिए। हो सकता है दोस्तों अपना जो डीए 50% एक्रोस हो चुका है तो डीए को 4% ना बढ़ा के आपका सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, या फिर दोस्तों 8 वेतन आयोग को भी लागू करने की जो सिफारिश की जा रही है उसकी भी बारे में भी बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाली है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि बहुत ही जल्दी आपको कुछ नया अपडेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ तक। तो इस बार जो सैलरी आया है दोस्तों वो 50% डीए के अनुसार ही आया है। अगर इसमें इंक्रीज़ होता है 4% तो आपके अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ पिछले जुलाई से लेकर अब तक का जो 4 महीने का जो होगा डीए 4% एक्स्ट्रा वो भी आ जाएगा। और दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो एनटीपीसी का फॉरम निकला हुआ है ग्रेजुएशन वाला और अंडर ग्रेजुएशन वाला, अगर रेलवे एम्प्लॉय अपना फॉरम भर रहे हैं तो उनके लिए क्या कैसे भरें, क्या सावधानी रखें। दोस्तों आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप एनटीपीसी का जो फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फिलअप करने के लिए कि क्या आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पर आपको यस करना है और नीचे दिया गया है कि आपके पास एनओसी है, एनओसी आपको कब देनी है, कैसे देनी है। तो आप वहाँ पर एनओसी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। अगर एनओसी नहीं है तो आपको डीवी मेडिकल के टाइम पर आपको एनओसी प्रस्तुत करनी होगी, तो आप वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यह देखना है कि एनओसी लेने से क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ अगर आप वहाँ पर एनओसी सबमिट करवाते हैं तो आप जितनी रेलवे एम्प्लॉय की जो सर्विस हो चुकी है, आपका जितना पीएफ कट चुका है, वो दोस्तों अगर नेक्स्ट आप किसी और जॉब में रेलवे में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप एनओसी के लिए ज़रूर यस करें वहाँ पर, क्योंकि आपका जो जितना सर्विस इसमें हुआ है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे आपने 2 साल की हो, 4 साल की हो, कितनी भी साल की हो। और साथ ही साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की जो जीडीसी का एनटीपीसी का निकला हुआ है वो भी आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर किसी ने एनओसी नहीं ली है तो वो आप अप्लाई किया हुआ फॉरम एक एप्लीकेशन आप लगा के अपने डीआरएम ऑफिस में आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एनओसी मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही दोस्तों जो राजस्थान में सीटी का एग्ज़ाम का जो 10+2 वाला जो फॉरम है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। उसका एग्ज़ाम डेट दोस्तों अभी अपडेट आया है कि 22, 23, 24 सितंबर को फर्स्ट सेकंड पारी में होने वाला है, तो 1 महीने बाद में वो भी पेपर है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ी अपडेट, SSC MTS का एडमिट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेटस, 30 सितंबर से इसका एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, तो आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर देखें। मेरा भी 30 सितंबर को एग्ज़ाम है हैदराबाद में, तो मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो इससे संबंधित और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, थैंक यू दोस्तों।